हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC के बारे में। IRFC के लिए यहाँ पे कुछ मेजर और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही हैं, साथ के साथ मैं आपको जनवरी एंड तक का टारगेट भी बताने वाला हूँ कि बजट से पहले पहले तक शेयर कौन से टारगेट्स दिखा सकता है, और साथ के साथ बजट के बाद क्या उम्मीदें यहाँ पर लगाई जा सकती हैं कि शेयर प्राइस जो है वो कहाँ तक के मूवमेंट्स दिखा सकता है। अभी हाल फिलहाल में मैंने यस बैंक पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसमें मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है, और आज हम इस वीडियो में दो ऐसे स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शंस दिखाने वाले हैं, यानी कि स्प्लिट के साथ साथ यहाँ पे आपको डिविडेंड भी देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो पूरी देखोगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल मार्केट सिनेरियो के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। IRFC में आज के दिन यहाँ पे 1% का मूवमेंट देखने को मिला अपसाइड में। एग्जैक्टली 33 रुपये की जो क्लोजिंग है वो आज के दिन आपको यहाँ पे 18 जनवरी को देखने को मिली है, यानी कि ओवरऑल मार्केट आज सही था। तो यहाँ पे आपको IRFC में भी ठीक ठाक सा मूवमेंट देखने को मिला, कोई बहुत बड़ी तेज़ी तो नहीं थी लेकिन फिर भी एक अच्छा मूवमेंट हम कह सकते हैं, करीबन 1% के आसपास का। पिछले 6 महीने के अभी भी रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं, यानी 61-62% के रिटर्न्स आपको पिछले 6 महीने में IRFC ने बना कर दिए हैं। यानी कि अगर आप ऑन एन एवरेज पर मंथ के हिसाब से देखोगे तो 10% का आपको जो रिटर्न है वो मिल जा रहा है। ये एक अच्छी बात निकल के आ रही है कि अभी भी जो रिटर्न प्रोफाइल है वो काफ़ी हद तक सुधर चुकी है इस पर्टिकुलर स्टॉक की। बाकी सारी अपडेट्स पर मैं आगे बात करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको जो टारगेट्स हैं अप्स और डाउन्स दोनों के दिखा देता हूं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि जो पहला डाउन टारगेट दिखाया जा रहा है, अब 33 रुपये के हिसाब से अगर यहाँ से गिरावट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पहला डाउन टारगेट अगर आप देखोगे तो 25 रुपये के आसपास है। सेकंड डाउन टारगेट आपको 19 रुपये के आसपास नज़र आता है। तो फिर उससे नीचे के तो बारे में बात करने की ऐसी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ से चांसेस ही नहीं है कि शेयर इतना नीचे भी चला जाए। लेकिन फर्स्ट अप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बताया गया है 42 रुपये। फिर अगर हम सेकंड अप के बारे में बात करें तो 48 रुपये। अब ये जो थर्ड और फोर्थ दोनों ही अप एंड डाउन्स में जो भी है वो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे रियलिस्टिक नज़र आते ही नहीं है, बिल्कुल अनरियलिस्टिक यहाँ पे आपको टारगेट नज़र आते हैं थर्ड और फोर्थ जो भी हैं, चाहे आप उनमें देखोगे चाहे डाउन में देखोगे। आपके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखते हो ये जो थर्ड और फोर्थ, चाहे अपसाइड में या फिर डाउन साइड में, ये टारगेट आपको रिलायबल नज़र आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, कॉमेंट में जरूर बताइए। मुझे तो केवल फर्स्ट और टू जो लग रहे हैं वो यहाँ से चांसेस हैं, इवन डाउन साइड के तो चांसेस बिल्कुल ही नहीं लग रहे, अपसाइड के फिर भी यहाँ पर नज़र आते हैं। अब कंपनी में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ म्यूचुअल फंड्स ने भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन हाईएस्ट अगर हम बात करें टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो यहाँ पे अगर आप देखो तो HDFC फ्लेक्सी कैप ने एक अच्छा खासा AUM बना रखा है। फिर अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर तो निपॉन इंडिया वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ, फिर HDFC के ही लार्ज एंड मिड कैप और HDFC के हाइब्रिड डेट फंड, यानी कि HDFC ने एक अच्छी खासी खरीदारी जो है वो IRFC में की हुई है, और यहाँ से इनको अच्छी खासी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो निकल के आती हैं रिटर्न्स की। ये बात होगी टारगेट की, म्यूचुअल फंड्स की। अब मैं आपको अपडेट पर लेकर चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको पता है बजट आने वाला है 1 फेब को, और स्पेशली अगर हम बात करते हैं जब भी IRFC के बारे में तो बजट की बातें होती ही हैं, क्योंकि इस बार कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा ही हैं। अब वो क्यों है तो रिपोर्ट में आप अगर ये पूरी रिपोर्ट पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वंदे भारत ट्रेन्स की यहाँ पे और ज़्यादा इनिशिएशन हो सकती है, फिर बुलेट ट्रेन के बारे में यहाँ पे अपडेट निकल के आई है, और भी अपडेट निकल के आई वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो बताया गया है कि पिछले बजट में 400 सेमी हाई स्पीड यानी कि वंदे भारत ट्रेन्स का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें से भी बहुत ही कम जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं वो अभी तक बनी हैं। लेकिन इस रेलवे बजट में और ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन्स का अनाउंसमेंट हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, और एक अच्छा खासा एलोकेशन ऑफ बजट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। सेकेंड चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो जो रेलवे है वो एक अच्छा खासा अपना एम सेट कर रही है कि ऐसी ट्रेन्स भी बनाई जाएं जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें यूरोप मार्केट में, साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया में, और ये भी बहुत ही जल्दी यहाँ पे इसको फुलफ़िल करने का भी ट्राई किया जा रहा है। 2025-26 तक का ये एम बनाया गया है। फिर अगर हम अगली चीज़ के बारे में बात करें तो करीबन 10,000 करोड़ का जो एलोकेशन है वो अलग से बनाया जा सकता है। वो किस चीज़ के लिए होगा कि 7,000
किलोमीटर की जो रेलवे ट्रैक है उसको इलेक्ट्रिफाई करने के लिए। यानी आप समझ पा रहे हो कि 10,000 करोड़ तो सीधा सीधा एक जगह ही एलोकेट किया जा सकता है इस बार के बजट में। फिर अगर हम बात करें बुलेट ट्रेन के बारे में, तो बुलेट ट्रेन पर भी अच्छा खासा बजट जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि 2026 तक इंडिया को अपनी पहली जो बुलेट ट्रेन है वो मिल जाएगी, ऐसा यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर वैष्णव की तरफ से बोला गया है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो पहले बजट था उसमें और ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है फॉर दी बुलेट ट्रेन्स। फिर अगर हम यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो रिकॉर्ड गवर्नमेंट सपोर्ट इस बारी मिलने वाला है। पहले भी अच्छा खासा बजट था लेकिन इस बारी करीबन 30% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ से इन सब चीज़ों का जो फ़ायदा है वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली IRFC, एयरकॉन और यहाँ पे RBNL और रेलटेल, इन कंपनीज़ को मिलने वाला है। एयरकॉन और RBNL के जो टारगेट्स हैं और यहाँ पे जो एनालिस्ट कितना एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं शॉर्ट टर्म में, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर, वो मैंने कल की लास्ट वीडियो में बताया, तो वो लास्ट वीडियो आप देख लिया करो, दिन की लास्ट वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसमें आपको बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ, टारगेट स्पेशली बता देता हूँ शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे IRFC के बारे में। अब मैं आपको दो ऐसे स्टॉक बताता हूँ जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे जो स्टॉक निकल के आता है वो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, 85 रुपये के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता है। अगर हम इसके की मैट्रिसेस के बारे में बात करें तो अपने सेक्टर के पीछे से काफ़ी कम पी पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड यील्ड जो है बहुत ही बेहतरीन है, सेक्टर में करीबन 2% के आसपास है, इसमें 7.5%। फॉरकास्टिंग एंड रेटिंग के बारे में बात करें तो 44% एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको इसमें अपनी पोजीशन जो है वो बना लेनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं डिविडेंड के बारे में, तो डिविडेंड यहाँ पे कंपनी देने वाली है 1 रुपये पर शेयर का, और जो 25 जनवरी इसकी एक्स डेट निकल के आती है, यानी कि अगर आप देखोगे तो 25 जनवरी से पहले पहले पोजीशन अगर आपने बना ली इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो आपको 1 रुपये पर शेयर का जो डिविडेंड है वो मिल जाएगा। अपने लास्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो वो निकल के आता है फोर्थ डायमेंशन सॉल्यूशंस लिमिटेड, 91 के आसपास मार्केट में ट्रेड करते, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप यहाँ पर देखते हो 473%, और अगर हम यहाँ पर बात करें 8 सितंबर को ये 21 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और आज के टाइम पे 91 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स एक बार दिखा देता हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नज़र नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी 2022 में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी खासी रही है, लेकिन रेवेन्यू अगर हम पहले से कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए निकल के आता है। रिटर्न्स जरूर अच्छे हैं लेकिन फाइनेंशियली वीक नज़र आ रही है पूरी तरीके से, तो इसमें रिस्क ज़्यादा है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। फिर कंपनी यहाँ पे आपको स्प्लिट दिखाने वाली है 1:5 का, 23 जनवरी जो है वो इसकी एक्सडेट निकल के आती है। 23 जनवरी से पहले पहले पोजीशन बना लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन रिस्की कंपनी है, रिटर्न्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे वीक आपको फंडामेंटल्स नज़र आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें देखिए। तो मैंने इस वीडियो में आपको तीनों स्टॉक के बारे में अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।